बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज किसी ने चंदा भी नहीं दिया। कुछ दिख रहा है हमारे पास जेवर? नत तक नहीं है। हम दो लुट कर भी खुश हैं। हुआ यूं कि आज लखनऊ की सारी तवायफों के बीच नौरोज का आखिरी मुकाबला था। आज सारे रईस रुपयों की थैलियां लेकर एक दूसरे से पैसा लुटाने में सबकत ले जाने की उम्मीद में बैठे थे। अभी मुजरा शुरू भी नहीं हुआ था कि बूढ़ा बाबा आ गया। कोई सैयद अहमद खान थे, अलीगढ़ से आए थे। वो बुजुर्ग यहाँ से भी गुजरे थे। हमने झुक के सलाम भी ठोका पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी और खुलिया देखकर मुजरा देखने आए रईस हंसते हुए बोले कि बुढ़े को भी मुजरा देखने का शौक चढ़ाएगा। मगर उन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बोले, साहिबो, पैदा करने वाले परवरदिगार ने आपको खूब नवाजा है। बंदा परवर अपने नजरे करम जरा इन औरतों से हटाकर इस बूढ़े पर भी करिए। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ के ताल पर यूं ही लाखों लुटाने वाले लोग तालीम पर जरूर खर्च करेंगे। अगर आपकी औलाद जाहिल होगी तो गुर्बत की मारी भी होगी, वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या कह रहे थे। इतने में एक मंचला जागीरदार बोल पड़ा, मियां सैयद अहमद, यहाँ पे रुपया सिर्फ पायलों में खनकता है। फिर क्या था, वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और बेगम की मसनत में से घुंघरुओं वाला तोड़ा उठाकर अपने पैरों में बांधने लगे और कहा कि अगर कॉलेज के चंदे के लिए नाचना शर्त है तो अभी लीजिए। पता नहीं बड़ी अकबरी बेगम को क्या सोचा, वो अपनी जगह से उठी। हमने से कोई भी उनके घुंघरू को हाथ लगा ले तो वो कितना नाराज होती है, और कहां बड़े में अपने पैरों में बांध रहे थे। अब मैं तो डर ही गई थी कि अभी खान साहब को आवाज देंगी फिर खान साहब का डंडा होगा और बेचारे सैयद मियां के पीठ पर तड़ातड़ 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 की आवाजें। हो जा, बड़ी बेगम ने हमको आवाज दी थी। आवाज क्या देती खान साहब, उनकी आंखों से तो आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हमने उन्हें आज तक कभी रोते भी नहीं देखा, अपनी माँ की मौत पर भी नहीं। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई। ये जुल्म ना कीजिए बुजुर्गवार, आपके पैरों को छूकर अगर ये पायल पाक हो गई तो हम गुनाह जादियाँ भूख के ही मर जाएंगी। बस इतना कहा और अपना सारा जेवर उतार के उन बुजुर्ग की झोली में डाल दिया। फिर क्या था, हम सब ने भी उनका देखा देखी अपने जेवर उतारे और उनकी झोली में डाल दिए। देखी मेरी कलाई, सोने की चूड़ियां डाल दी उनकी झोली में। देखे देखी ना खान साहब, मेरी नाक सोने नहीं लग रही, मैंने तो अपने हीरो की कील वाली नथ डाल दी उनकी झोली में। मुजरा नहीं हुआ, सब लूटे लूट गए, इसीलिए आज सारे रईसों की धूतनियां लटकी हुई थी। मगर सच में उस बूढ़े वक्त बूढ़े की झोली में मुझे अपने जेवर डालते वक्त इतना अच्छा लगा खान साहब, खान साहब ऐसी कैफियत थी कि मैं बयां नहीं कर सकती। अरे ये लड़कियां कहां मर गई? श्रीमती बेगम यही जमाने में घूम रही है, भेजता हूँ, चलो।